अक्सर ऐसे लगता है कि हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, लेकिन आप ये बात जहनशीन कर ले, अपने जहन में फिट कर ले कि बच्चे को स्कूल में डालने के बाद असल हमारा काम शुरू होता है और बच्चे की तालीम और तरबियत ये मिशन है। जिस तरह से जन जीतना मिशन होता है, जिस तरह से घर बनाना मिशन होता है, जिस तरह से जॉब पाना मिशन होता है, जिस तरह से यहाँ के जिम्मेदारों का स्कूल बनाना मिशन है, उसी तरह से हमारी जो बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, माएँ जो बैठी हुई हैं, वो ये समझ लें कि बच्चे की जिंदगी जो बनती है वो दो चीज़ों से बनती है, बाप की फिक्र से और माँ की तड़प से। बच्चे की जिंदगी जो बनेगी वो बाप की फिक्र और माँ की तड़प से। जमील सर ने इफ्तिताही कलमात में कहा, उन्होंने कि हम लोग दुआ मांगने से दूर चले जा रहे हैं। दुआ नहीं मांगते, दुआ मतलब इबादत, दुआ जो है वो इबादत का मंज है। कोई भी फल ले लो, अगर हम उसका मंज निकाल लेंगे और छिलके अपने पास रखेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो जब हमारी माए अपने बच्चे को स्कूल में शरीक करने के बाद ये समझेंगी, मेरा तो तजुर्बा ऐसे है साकिब भाई, बच्चे के एडमिशन के लिए मामू आता है, खालू आते हैं, चाची आती है, बेचारी दादी आती है, जबकि बच्चे का एडमिशन जो है जश्न होना चाहिए। बच्चे के एडमिशन के वक्त जिस तरह से घर में एंगेजमेंट के लिए लोग बेदार रहते हैं, जिस तरह से शादी के लिए प्लानिंग करते हैं, जिस तरह से हज उमरा के लिए प्लानिंग करते हैं, उस तरह से बच्चे के एडमिशन की प्लानिंग करनी चाहिए। और बच्चे को जो है स्कूल में दाखिल कराने से पहले कम से कम एक 10 बार लेटर दे दिखाना चाहिए, बच्चे ये कि तेरा स्कूल है, तुझे यहाँ पढ़ना है, ये तारीख को जाना है। तो माँ और बाप जो है मिशन के तहत बच्चे को लाए, उसका एडमिशन कराए और उसके बाद उनकी जिंदगी का माहौल बदल जाए कि मेरा बच्चा इसके जैसा बने या उसके जैसा बने, या फला के जैसा बने या फला के जैसा बने, किसी के जैसा बने या ना बने, मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। ये पाकीज़ा नियत सबसे पहले होनी चाहिए। क्या पाकीज़ा नियत? इससे बड़ी पाकीज़ा नियत, इससे बड़ा पाकीज़ा इरादा कुछ नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा बेटा झूठ ना बोले। मैं बुरा भला नहीं कहता, मेरा बेटा बुरा भला न कहे। मैं ना सास को गालियां देती हूँ, ना ननद को गालियां देती हूँ, ना इसकी चुगली करती हूँ, ना उसकी चुगली करती हूँ, तो मेरी बेटी भी ऐसी ही बने। मेरा बेटा किसी के जैसा बने या ना बने, मेरा बेटा मेरे जैसा बने। तो मेरा बेटा मेरे जैसा बनने की दुआ करने के लिए अपने आप में चेंजेस को तब्दीलियां लाना बहुत जरूरी है। बच्चा जब अभी यहाँ तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चे हैं, तो ये 100 से ज्यादा लोगों का ये मिशन हो कि हम बच्चे को सुबह में 7 बजे स्कूल हमें भेजना है, तो किसी भी सूरत में इधर की दुनिया उधर हो जाए, हम 11 बजे से पहले अपने बच्चे के साथ सो जाएंगे। वैसे तो ईशा के बाद कोई महफिल नहीं, कोई मजलिस नहीं, अगर दीनी एतबार से देखा जाए, किसी के घर जाने से मना किया गया, किसी का दरवाजा खटखटाने से मना किया गया ईशा के बाद, तो आज के सिनेरियो में जबकि दिन रात हो चुकी है और रात दिन हो चुका है, ऐसे माहौल में हम ये तय करें कि मेरा बच्चा जब तक 12वीं पास नहीं होगा, तब तक मौसम कोई भी रहे, सर्दी गर्मी बरसात रहे, घर में कोई प्रोग्राम रहे, कोई फंक्शन रहे, कुछ भी रहे, हम अपने बच्चे के साथ 10 से 11 के बीच में सो जाएंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, फिर अपने बच्चे को नाश्ता कराएंगे, उसे पूरी तरह से फारिग करेंगे और स्कूल छोड़ेंगे, ताकि हमारा बच्चा स्कूल जाने के बाद पेशाब पहनाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा उसका न चला जाए, वो हेल्दी बन कर जाए, वो फ्रेशनेस के साथ जाए, वो एक अच्छी ताजगी के साथ स्कूल चला जाए। कभी तालीम पूरी होगी, इसमें टीचर आके अल्फाबेट पढ़ाएंगे, टीचर आके रोड पर साइकिल पढ़ाएंगे, टीचर साथ अगर तैयारा करेंगे तो तालीम पूरी नहीं होगी। जब माँ की तड़प की वजह से और बाप की फिक्र की वजह से, बाप भी जल्दी से क्योंकि माँ को लेके नहीं जाएगी 3-4 किलोमीटर स्कूल को, माँ तैयार करेगी, बाप को ले जाना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग हो, जब बच्चा फजर पढ़ के आएगा, फिर आने के बाद उसका पूरा सिस्टम हो, जो भी तालीम के फील्ड में काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे हजारों ऐसे वीडियोज हैं बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, वो देखें, उसके मुताबिक प्लानिंग करें, फिर उसके बाद दोपहर असर मगरिब इशा हर नमाज में जो अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपनी औलाद के लिए दुआ करें, क्योंकि वो आपके औलाद, आपके औलाद नहीं, वो पूरी मिल्लत का असर है, वो पूरी मिल्लत का सरमाया है। आपका बच्चा, आपकी बच्ची अगर कामयाब बनेगी, नेक बनेगी, तो उसे पूरी मिल्लत को फायदा होगा, पूरी कौम को फायदा होगा, पूरे मुल्क को फायदा होगा।